સંઘ પ્રદેશ દાદાનગર હવેલીના વાસોણા ગામના એક પેટ્રોલ પંપ પર એક મહિના પહેલા એક કર્મચારીની હત્યા કરી લૂંટ કરવાના ચકચારિત પ્રકરણમાં મુખ્ય સૂત્રધાર આરોપીની સંઘ પ્રદેશ પોલીસે મધ્યપ્રદેશથી ધરપકડ કરી હતી. ગત 1 જૂનના રોજ વાસોણા ગામના સાંઈ પેટ્રોલ પંપ પર રાત્રિ દરમિયાન ત્રાટકેલા 3 લૂંટારૂએ કર્મચારીની હત્યા કરી લૂંટ કરી નાસો છૂટ્યા હતા. આ ઘટનામાં પોલીસે અગાઉ 2 આરોપીઓની ધરપકડ કર્યા બાદ આ હત્યાવિત્ત લૂંટ કેસના મુખ્ય સૂત્રધાર એવા આરોપી પ્રકાશ ઉર્ફે પક્યો રાજવીર નિમવાલાની મધ્યપ્રદેશના અલોરાપુરથી ધરપકડ કરી હતી. देखिए, लास्ट 30 जून 2018 के दिन वासुना में जो सैनात पेट्रोलियम आया है वहाँ पे एक घटना घटी थी जिसमें 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे और वहाँ के जो एम्प्लॉय थे उनके ऊपर चाकू से और पिस्तौल से उन्होंने वार किया था जिसमें उनका एक एम्प्लॉय की वहीं घटनास्थल पे मृत्यु हो गई थी. तो इस केस के सिलसिले में हमने आगे ऑलरेडी 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसमें 2 जो मेन बचे थे, एक प्रकाश उर्फे पकिया निंगवाल और दूसरा गुला निंगवाल, ये दोनों रहने वाले हैं मोराजी एमपी के. तो हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये दोनों एक्यूज नवसारी में आए हैं, तो हमने यहाँ से एक टीम भेजा था और दोनों को नवसारी में ढूंढ के उनको नवसारी गिरफ्तार किया. जब इनको गिरफ्तार किया तो इनके पास हमें जो हथियार में गोली यूज़ करते हैं कार्टेजिस, वो 2 लाइव कार्टेजिस हमने सीज किया है और एक मोबाइल फ़ोन सीज किया है. ये दोनों आरोपी जो पकड़े गए उसमें मेन पकिया, इसने जो मर्डर हुआ था मर्डर उसी ने किया था. तो ये केस के मुख्य सूत्रधार यही है और साथ ही साथ इन्होंने गुजरात में भी 4 वारदात की है. तो हाल में ये आरोपी को हमने अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश किया और दोनों आरोपी का 10 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड है. अभी इनके पास से हमें और एक वेपन और ये जो कपड़े इसने पहने थे वो हमको कब्जे करना है. ये सब इन्हें जितने भी ये 5-6 लोग की क्या गैंग है सब 19-20 साल के है. उसमें एक नाबालिग था, उसको रिमांड होम सूरत भेजा है.